नगद नारायण नगद नारायण कलजुगी नारा रह गए लेकी बसंत बहार जुबेंग को मांड पिलालू और संग मजालू हास्य को ठुंगार दिग्दर्शकों को हुंद निरोगी और कहते आंध बुखार भ्रष्टाचार को धिक्कार और सत्य की जय जयकार बारंबार 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 नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण भाई बहनों आज 15 अगस्त को दिन जो पूर्व भारत वर्ष पूर्व हिंदुस्तान पूर्व इंडिया इबेरी आजादी को दिवस मनानो तो यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनानो तो लेकिन ये लोग ये आजादी से कत का खुश छन कत का दुखी छन आ मैंने सोच के जरा धरती में जाके लुखु थे पूछे जा तो मैं आनु सोच जरा धरती में और लुखु थे पूछो छौ कि कन कन हाल चिंता का आजादी का बाद का नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण जी पूरु देश इबेरी 15 अगस्त मनाणु छो आजादी को दिन मनाणु छो हम आपसे पूछण चाहो कि आजादी से आप संतुष्ट छो बिल्कुल संतुष्ट है बट ये है कि आज के टाइम में हम ही चाहते सरकार जो भी बने देश हित में बने जनहित में बने राष्ट्र हित में बने और आज देश आजाद होने के बावजूद भी हमारे इस देश में आजादी के बावजूद भी लड़कियां सेफ नहीं है उनके लिए कुछ ऐसा हो कि लड़कियां आज के टाइम पे हमारे सेफ हो के ठीक है जे आजादी की कामना लुखुन कर चाहे जो शहीद हुए चाहे जो शहीद होनु जे आजादी की कामना कर चाहे क्या वो आजादी छ आज हां बिल्कुल है वैसे वो आजादी है बट अब अभी भी लोग कहीं ना कहीं इस कसमगस में लगे हैं कि हमें पूर्ण रूप से आज़ादी मिले जैसे कि आज अभी तक गरीबी पूर्ण रूप से अगर मिट सकती है तो शायद पूरा देश स्वतंत्र हो सकता है 70 साल देश का आजाद होने वाला छन पूरा अभी तक जो कुछ काम हो चाहू चाहिए वो पूरा होगी ना जब हम ते हो चाहू चाहे 70 साल में आज हम की छो या कखी पिछने छो या वैसे आगने बढ़ गयो नहीं काफी आगे लेकिन अभी कोशिश जारी है सरकार पूरा प्रयत्न करे कि हम आगे बढ़े हाँ। तो मतलब उत्तराखंड में कह सरकार से समर्थन छो कि भाई को सरकार बहुत बढ़िया काम करनी से सरकार जो भी आए बट ये है कि बस देश इसमें काम करे अगर उत्तराखंड की आजादी की बात करे जा तो वे के बारे में आप क्या बोले उत्तराखंड की आजादी तो आप इन बोले कि उत्तराखंड गुलामी नहीं ना ना ऐसा कुछ नहीं गुलाम था ना ना गुलाम नहीं नगद नारायण नगद नारायण इबेर हम छो कैमरी गांव में हमर दगड़ चाहे पुष्पा जी आजादी से बिल्कुल संतुष्ट छिन हाँ थोड़ा बहुत त्रुटि बतानी छिन जो धीरे धीरे करके ठीक हो जाए नगद नारायण चल रहा छो कह है का घर पर नगद नारायण मेरे समेट पर छिन दुकानदार हूँ दुकानदार पूछता की आजादी कहे होता कन लगी नगद नारायण सर जी अपन नाम बताओ पहले क्या तुम्हारा नाम मेरा नाम साहब बैसाखू राम पुरवाल अच्छा गाँव को नाम गाँव ग्राम सहन पट्टी भैगुल ढूंगमंदार पोस्ट ऑफिस देवताधार जिला टिहरी गढ़वा बहुत बढ़िया जी देश अपुर 69 आजादी को दिन मन मनाणु छ आप थे या आजादी कन लगनी छ कन महसूस करना छो बढ़िया आजादी तो खैर बढ़िया है पर असली आजादी का है यहाँ सब नेताओं ने आजादी नेताओं के लिए है अच्छा यहाँ के लोग तो गुलाम बने हैं अभी अच्छा आप थे आप आपको वो बुरा को मतलब ये कि अभी देश गुलाम दे आजाद नहीं हुए अभी गोरे लोग तो गए अब सफेद काले लोग जो नेता है वो उनके गुलाम है
अच्छा अच्छा, तो अगर इन बताओ कि कन हूं चनू आजादी कन हूं चनी कन वही चन यू नेताओं पर जो जो तो मतलब आर इन ये जनता की भी कमी है। जनता को चुनाव के टाइम पे आदमी को ठीक ढंग से परख के और देखना चाहिए भाई ये आदमी क्या है। पार्टी वार्टी कुछ नहीं होती है, खाली आदमी को देखना चाहिए कि इस आदमी को वोट देना और इससे हमारा देश जो है तो फिर अपनी जगह पे आएगा जब लोग अपनी बुद्धि को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, आप थे क्या लगना चाहिए कि भविष्य में आने वाले भविष्य में कभी आप थे आजादी मिले ली फुल आजादी जनाब थे चैनी से? देखो साहब, आजादी तो मिल सकती है पर जब ये जो मतलब ऐसे नेता हैं इनका बायकॉट कर दिया जाए, कोई इनको वोट न दे, अच्छा तो पूरी आजादी मिलेगी। पर नेता तो चैन लेकिन जो बगैर नेताओं को फिर देश करने के चलो लो। नहीं, नेता सभी थोड़ी ऐसे हैं, कोई कोई जो घोटाले बाज हैं हम उनके लिए बोल रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, जो घोटाले बाज हैं उनका बायकॉट होना चाहिए। जिन पे आपराधिक मुकदमा दर्ज है, जो गुंडागर्दी में लिप्त हैं, ऐसे लोगों का बायकॉट होना चाहिए। तब देश आजाद। चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे, नगद नारायण नगद नारायण जी। यूनु बहुत अच्छी बात बोली कि जब ये देश में भ्रष्टाचार खत्म हो लो तब ये देश में असली आजादी आई। चला चलता छो फिर है के जगह, नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण। नगद नारायण नगद नारायण। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। और ठीक ठाक? बढ़िया साहब। आपका बाल गोपाल? सब बढ़िया साहब, सब बढ़िया बढ़िया। चलो जी, हमारे यू देश हमारे यू मुल्क 69वां आजादी को दिन मनाणु छो, ठीक छे? ई आजादी थे कन दिख दो आप क्या जन जन हमारे देश आजाद हूँ चाणु छो क्या उन आजाद छे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं छन साहब, आजाद बिल्कुल नहीं छन। किले चारों तरफ बेरोजगारी छन, आजाद का क्षण फिर साहब बताओ, बेरोजगारी की वजह से आजाद नहीं छन। आजादी नीचे बटे अंग्रेज के न अंग्रेज चली छन, अंग्रेज एक बार कंपनी साहब अंग्रेज के छन। अच्छा, कख छन आजाद? हम तो हिंदुस्तान का को, हम तो आजाद नहीं छन साहब। अच्छा, ये मतलब आजादी थे आप आजादी नहीं मानना छो? बहुत कम साहब, आजाद कख छन, आजाद नहीं छन साहब। अच्छा बिल्कुल। तो क्या परेशानी छे आपसे? परेशानी रोजगार नहीं छन साहब, रोजगार सबसे मेन चीज रोजगार। अच्छा, शिक्षा का कोई उधार नहीं छन, परेशानी दिए छन जब तक भी परेशानी था यह भी परेशानी था। पर सरकार की तो बहुत योजना छन, क्या वो योजना आप तक पहुँच देनी छे? नहीं पहुँच दी साहब, आपसे पता नहीं लगू की क्या योजना सरकार की चली छन? कुछ नहीं मालूम साहब हमारे, कुछ नहीं। चलिए जी, नाम शुभ नाम आपको? किशन शर्मा। किशन शर्मा जी, नगद नारायण नगद नारायण। किशन शर्मा जी को बोलू चाह की भला हम ते आजादी जन चैनी छा वन आजादी नहीं मिली, किले की रोजगार नहीं छन, शिक्षा का अभाव छो और सरकार की जो कभी योजना छिन वो हम तक नहीं पहुँचनी छिन, इले की यू थे की आजादी नहीं लगनी छे। नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण। जय नारायण जय नारायण नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण जी नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण। नगद नारायण नगद नारायण। नमस्कार बड्डी जी, नाम के चापो को? मेरा नाम ऋषि। ऋषि सुरेशी देवी। अच्छा सुरेशी देवी, लुको ना जो क्रांतिकारी छे ना की जो लड़े चनी चाहिए कि आपन आपन देख वो लड़े देखी ची कन मा देखी कन मा देखा हमन सुनी भी था देख भी था। अच्छा अच्छा, तो उबर जब देश गुलाम देश आप होती क्यों चाहिए? आज ये देश में कोई खैरी बिपता छे कि सब लोग खुश छिन आराम छिन? खैर तो खैर भी बहुत आ गई। अच्छा, बहुत खैर है क्योंकि बच्चों की तरफ है, पैसी है, अपने तबीयत की है, बहुत बहुत है खैरी खैरी बहुत चंद। हाँ, ये खैरी को समाधान अगर कह की तरफ दिख ला, अगर खैरी को समाधान हो तो कोच आप तक दिखो की सरकार या फिर भगवान? भगवान ही देखो, सरकार तो कुछ नहीं देखना है।
नगद नारायण नगद नारायण, ये तो उन बिल्कुल सही बात है कि देश की विपदत है कि ये राज्य की विपदत है कि भगवान ही जागो लो सरकार तो कोई नहीं दिखनी नगद नारायण नगद नारायण। मिनबोल जी नमस्कार है, हाँ ठीक ठाक है, बाल गोपाल तुम्हारा ठीक ठाक है ना? ठीक ठाक जन भाई। चलो जी आप एक सवाल पूछूं चाहिए, सवाल पूछूं चाहिए कि देश जो है आजाद हो गया 70 साल होने वाला है ना ना, तो कन महसूस करना चाहो जन आजादी तुम चढ़नी चाहो नहीं मिल गया ही को मिलता हम तो कुछ नहीं मिली भाई मुझे, हमें तो कुछ नहीं मिला भाई। आपको कुछ नहीं मिला? ना हम तो कुछ नहीं मिला। आप अपने मतलब देश से संतुष्ट हैं? देश से संतुष्ट हैं? अच्छा चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो, अगर आप थे कि प्रधानमंत्री बने जाते देश का वास्ता क्या कर ले आप? क्या करना भाई हम तो क्या करना हम कुछ नहीं करेंगे, ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे आप? क्या करना कुछ भी नहीं करेंगे भाई। अच्छा खाली खाली बैठे रहेंगे? खाली बैठे रहेंगे, कोई भी नहीं देता हमको तो हम डरे नहीं झोपड़ी में। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अगर आप प्रधानमंत्री सीएम से अगर मुख्यमंत्री बने जाते तब क्या करना? अपन क्या करना भाई कुछ भी ना, कुछ भी ना। नहीं नहीं, देश का विकास कैसे करेंगे? कुछ भी ना भाई, क्या मैं कुछ भी ना क्या करना। चलिए नगद नारायण नगद नारायण, इसर माना चिंता से कुछ बुना कोने। चलो जी हैं घर पर चल दो, नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण। नमस्कार जी, क्या हाल हैं आपके? गढ़वाले आन साहब थे कि? अच्छा गढ़वाले नहीं आती कोई बात नहीं, मुझे हिंदी आती है जी। चलो जी आपसे की कुछ सवाल हम पूछना चाहते हो, सवाल इन पूछना चाहते हो, गढ़वाली समझ में आ जाती है थोड़ी बहुत? अच्छा चलिए हम हिंदी में ही पूछते हैं। हम सवाल ये करना चाहते हैं कि आज के तारीख में हमारा पूरा देश आजादी का 69वां आजादी का दिन मना रहा है, हम लोग आजाद हुए, तो कैसा लग रहा है आपको ये आजाद होके? कैसी आजादी चाहिए थी, जैसे चाहिए थी वैसे मिली आपको? हाँ जी है। अच्छा हाँ जी। बिल्कुल वैसे ही आजादी है जैसे आप चाहिए थी? हाँ जी थोड़ी सी है, कुछ है नहीं। अच्छा क्या क्या समस्याएं लगती हैं? आप बहुत खुश हैं आजादी से? हाँ जी आजादी से खुश है। जो कुछ आपको मिलना चाहिए था वो मिल रहा है सब कुछ? हाँ जी मिल रहा है। सरकार से बहुत खुश हैं? सरकार से हाँ जी कुछ चीजों में है, कुछ डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा ऐसा है कि उसके लिए सुधार चाहिए। जी जी जी। और तो बढ़िया ही है, जैसा पहले था वैसा अब है नहीं। ठीक है बढ़िया। चलो आप खुश हैं? हाँ जी। कोई संदेश देते हैं आप लोगों को, कोई संदेश देना चाहते हैं? कि लोग दुखी हैं बेचारे बहुत, अगर आप खुश हैं तो उनको खुश कीजिए ना, उनको बोलो जी देखो हर जगह खुशी है, हम तो जहाँ जा रहे हैं लोग कह रहे हैं दुखी है दुखी है दुखी है, किसी को खुश बोलो। कैसे खुश हैं आप? हम तो खुशी है बस, अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अपना रह रहे हैं, खुश रहना चाहिए इंसान को, दुख में भी खुश रहना चाहिए। चलिए ठीक है, हमारा जो वो फार कैमरा है उस कैमरे में देखकर आप लोगों को बोलिए कि खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हमें तो सही करना चाहिए। अच्छा और बस, और लाइफ जैसी खुश रहेंगे लाइफ वैसी आसान रहेगी। चलिए नगद नारायण नगद नारायण, कुछ लोग तो पॉजिटिव मिल जाते हैं हम थे। नगद नारायण नगद नारायण, बाबा ये कॉल बहुत बहुत बोल भाई। नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार, नगद नारायण नगद नारायण, खींचना आपा का बाल गोपाल बहुत बढ़िया, कोई समस्या कोई दिक्कत? समस्या तो बहुत है, गांव की समस्या तो काफी है। अच्छा गांव की, हमारी जो देश यू 69वां आजादी को दिवस मनानु च, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है हमें तो। मतलब जिस तरह की आजादी मिलनी चाहिए उस तरह की आजादी मिली हमको? मिली है ऐसे काफी। अच्छा काफी मिली है, खुश है? जो जैसे अंग्रेजों का राज था ऐसा? अभी इसके बारे में थोड़ा मालूम नहीं है, अंग्रेजों का राज कैसे था। तो मतलब क्या आप खुश हैं? मतलब सब कुछ शासन प्रशासन नेता बताजत का भी ये सब सबसे खुश हैं आप? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं इस देश में, सब कुछ खुशहाल है? सब खुशहाल है, कहीं कोई परेशानी नहीं है? परेशानी तो आप लोगों की तो काफी होगी लेकिन मैं क्या बता। अच्छा मतलब आपका कहना है कि यहाँ पर इस देश में कोई समस्या नहीं है, सारी खुशहाली है? खुशहाली। आपके घर में टीवी है? टीवी देखते हैं आप? देखते हैं। समाचार देखते हैं? देखते हैं। तो समाचार वाले तो ऐसे बोलते रहते हैं यहाँ पे ये परेशानी, यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पे राणा है, यहाँ पे फराना है, वो तो बेचारे परेशानी परेशानी बोलते रहते। आप बुना चाहो कि बहुत खुश थे? नगद नारायण नगद नारायण,
हेलो बच्चे, क्या चाल छे? ठीक ठाक? ये बच्चा डना छे। नमस्कार जी, नमस्कार। बहरा जाओ। ठीक ठाक है बाल गोपाल? ठीक छे तुम्हारा? हाँ जी। गढ़ो लान साहब थे? एक मिनट, गढ़ो लान साहब थे? समझ में आती है। अच्छा, समझ में आती है। हमारे यू देश से 69वां आजादी को दिन मनाने से आप थे क्या लगने से हमारे देश सचमुच आजाद से खुश छो? हम ही आजादी से हाँ जी खुश हैं। बहुत खुश हैं? हाँ जी। कह भी आदमी से कह भी आपसे कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं कैसे? शासन से, प्रशासन से, राज्य से, देश से, नेताओं से, विधायक से, अधिकारी से, कैसे कोई शिकायत नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं है। किसी से कोई शिकायत नहीं है? आप खुश हैं? हाँ जी। चलिए जी, नगद नारायण, नगद नारायण। ये भी बहुत खुश चिन्ह, पता नहीं खुश चिन्ह की शर्म आना चिन्ह। नगद नारायण, नगद नारायण, नगद नारायण, नगद नारायण, नगद नारायण। आज पूर्व देश 15 अगस्त मनाणु चो, और 15 अगस्त हमारे दगड़े पूनम नेथानी जी थी, उन्हें पूछना की आजादी थे कर महसूस करना चाहो? बहुत अच्छा महसूस करना चाहो। आज हम झूमेलों के साथ अपना परिवार के साथ एक इकट्ठा हुए छे, और हम चांदा आज जब एक साथ हम लोग ग्रुप में चंद और झूमेलों की विशेषता हम आज झूमेलो हमने करी। मैं आजादी की बात करूँ चो। अच्छा, अब जब जब नहीं नहीं जब हमारे देश नहीं नहीं अगर झूमेलो में आया छा, अगर जब देश गुलाम हूँ तो आप क्या झूमेलो में नहीं सकता? हाँ बिल्कुल। अगर गुलाम हूँ तो है ना, ना ना तब नहीं मना सकता। अच्छा बिल्कुल। तो मतलब आप थे क्या लगो की जो आजादी चैनी वो मिल गया हम थे? नहीं मिली, पूरी तरह से नहीं मिली। अच्छा, नहीं मिली पूरी? नहीं मिली ना। हम आजादी से घूमना नहीं चाहन, हम बाहर नहीं जाना चाहन, हमारी मतलब सुरक्षा नहीं चाहे। अच्छा, एक तरह से ना। तो हम, मैं तो नहीं चाहूँ की आज हम पूरे आजाद हुए ना। तो फिर क्या आजाद होने को हम तो फिर से क्रांतिकारी आंदोलन करना पड़ो? बिल्कुल करना पड़ो। को करोले आंदोलन है, हम ही कर ला सब मिल के, हम सब महिला उत्तराखंड का जितना भी छा हम लोग, हम सब मिल के कर ला इसको। हम सब उबेर हमारे समय अंग्रेज है, अब कुरा ला, अब अपना लोग टारगेट को रहा उबेर, उबेर हमारे दुश्मन चाहेगा अंग्रेज, अब कुछ है न? अब भ्रष्टाचार है, हम ही लड़ेंगे खुद के। किससे लड़ोगे? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। नहीं, भ्रष्टाचार का तो कोई चेहरा ही नहीं है ना। ना ना, हम जो मतलब समाज में चल कुरीतियां हो रही चल। नेताओं से लड़ोगे? नेताओं से लड़ेंगे। पक्का? पक्का। चलिए ठीक है। नगद नारायण, नगद नारायण। एक और क्रांतिकारी की जरूरत है। अरे लोग बुना चिन्ह की हम लोग एक और क्रांतिकारी आंदोलन कर ला, और देश से जो बच्चों कुछ आजादी नी हम थे मिल सा की हम पूरी कर ला। हमारे दगर गीता चंदोला चीनी हमें एक कौथिक लगी हूँ, आज बहुत बड़ो कौथिक लगी हूँ झुमेलों को, झुमेलो कौथिक लगी हूँ आज। अगर सब लोग मैं जाना सीएम साहब का इंतजार में बैठे हैं ना, तो बात कर दूं आपसे। चंदोला जी, आजादी आपको तू खैरी भी लगे स्टीकर भी लगे क्या? हम थे आजादी मिल गया पूरी तरह? ना नहीं मिल। आज कन में मिले ली आजादी? हम थे आजादी नेतों था भी ध्यान दीन बोलो, और समाज था भी एक हुए की कचान पड़ल हम थे। नहीं नहीं कचाने बा ना ना कहना कैसे कचान पड़ल के लेकिन पूर्व में हमारे जो क्रांतिकारी था वो कचा छे लोगों। हमें समाज में एक अच्छा मैसेज देना होगा, एक एकजुट करी हम थे काम का नूल हमें। मगर आप लोग बोलो की बिगड़ कचे हम थे आप आजादी मिल जाए ली कचौला भ्रष्टाचार था भ्रष्टाचार तो कुछ ही नहीं ना भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से लिप्त जो आदमी मालूम हुए थे कचोला है, भ्रष्टाचार में लिप्त जो आदमी मालूम हुए थे कचोला। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नगद नारायण, नगद नारायण। सर जी, हम आपसे पूछना चाहना चाहो आपकी गुलामी दिखी है? ना, मैंने गुलामी देखी। अच्छा, मैंने आजादी देखी है और आजादी को का आनंद ले रहा हूँ। अच्छा, इस देश के अंदर जो कार्यक्रम हो रहे हैं आज और कल जो कार्यक्रम होंगे वो इस देश में जो हमारे आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी वजह से हम आजाद हैं और हमें इस बात की खुशी है, हम गर्व करते हैं। तो आप इस आजादी से पूरी तरह से पूर्ण सुखी हैं कि ऐसी आजादी आपको चाहिए थी जो कामनाएं हमारी क्रांतिकारियों ने की थी? क्या वो कामनाएं यही थी और इसी देश की उन्होंने कल्पनाएं की थी जो आज है हमारा? 60 साल के अंदर इस देश में बहुत कुछ हुआ है जी, और हम एक विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहे हैं जी। दुनिया के अंदर हमारे हमारे देश की जगह बनी है आज जी, और बहुत कुछ होना बाकी है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए जी, आप पूरी तरह से
संतुष्ट हैं कि ऐसी आजादी की कल्पना हमारे क्रांतिकारियों ने की थी, उस तरह की आजादी हमें मिल गई है। देखते हैं अभी और लोगों से पूछते हैं कि उन लोगों के क्या विचार है। नगद नारायण, नगद नारायण। हमारे दगड़े कुछ कलाकार लोग छे नहीं उठे पूछ दो जरा। आप लोग कलाकार छो? हो हम कलाकार छो। कक बटे आप? चंपा। चंपा बटे? अच्छा, चंपावत बटे। चंपा, अरे वाह, बहुत बड़े। सबका सबू की बटे हैं सब पूरा ग्रुप। चलो जी, हम एक सवाल पूछना चाहूँ कि देश आजाद हुए आज 79 वर्ष हुए, क्या ये आजाद से खुश हो आप पूरी तरह से? हाँ खुश हूँ। आपसे कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल जन कल्पना कर सब नीचे बिल्कुल कहते कोई शासन प्रशासन कैसे कहते भी कोई समस्या नीचे ना ची, ना ची। आप न्यूज दिख दो न्यूज वाले तो हमेशा ये बुला रहे कि ये खराब है वो खराब है यहाँ आग लगी है वो वहाँ ये हो रहा है देश का शासन ठीक नहीं है अखबारों में यही लिखा होता। आप कह रहे खुश है? वो झूठ बोलते हैं? नहीं झूठ नहीं बोलते हैं, कहते हैं टीवी झूठ बोलता है अखबार झूठ बोलता है आपके हिसाब से? नहीं अब अभी झूठ तो नहीं बोलते हैं। कौन आप झूठ बोल रहे? नहीं हम ही नहीं बोल रहे झूठ। तो फिर दोनों में से ही चीज है ना, या तो सबको सुखी है, अगर सबको सुखी है तो अखबार को भी तो ऐसे बोलना चाहिए ना सबको सुखी है। अखबार का एक भी पेज में इन्नी लिखी उनकी हम जी सब कुछ ठीक ठाक से, अखबार एक भी खबर इन्नी उनकी जहाँ लिखी उनकी सब कुछ ठीक ठाक से। सर जी आपके पास आते हैं, बताइए देश की आजादी से आप खुश नहीं है? देश के लिए तो ये है कि लोग जो पुराने थे वो भूखे मर रहे हैं। अच्छा, और जो जिंदा है वो भाग के बिजनौर से यहाँ आ गए, वो क्यों आ गए बिजनौर से यहाँ? अच्छा ठीक है, शासन ने कुछ नहीं करो। आप खुश नहीं है? हम क्या हम तो बेकार हो गए। ठीक है, क्या करना चाहिए आजादी के लिए? क्या मिला हमारे को? कुछ नहीं है यहाँ। कौन करेगा? कौन करेगा? जो हमारा कार रोजगार खड़ा था वो भी खत्म हो गया। कौन करेगा? करने वाला कौन है यहाँ? जो है वो भी नहीं कर रहे। आप नहीं करोगे? हम तो कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। क्या किया आपने अभी तक? क्या हम तो भूखे हैं इसलिए नहीं कर रहे आप? क्या नहीं, नहीं आप भूखे इसलिए नहीं कर रहे? भूखे की वजह से आप मुझे बताओ कौन सा वजन उठा लोगे आप? अच्छा अच्छा, चलिए चलिए ठीक है। कई लोग छिन्ने जो बुना छिन्ने की देश की बहुत आजादी से बहुत खुश हूँ, लेकिन कुछ लोग इन बुना छिन्ने की जो थे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हाँ ये देश आजाद है या फिर देश में कुछ बदलाव की जरूरत है। जाइए कुछ और आदमियों से पूछ दो हम लोग की देश आजाद हो। यहाँ भाई साहब आज पूर्व 70 साल होना था छिन्ने, कहीं आजादी से खुश हो आप? आजादी जो उन लोगों ने दिलाई तो उन्होंने बड़ी तपस्या करी, लेकिन हम लोगों को जो हम लोग आजादी के बाद पैदा हुए हैं हम लोगों कर्तव्य क्षेत्र ये आजादी हम मेंटेन करके रखूँ जी। मेंटेन करना एक बहुत बड़ा काम मेंटेनेंस जी, और यानी बहुत सारी स्थितियाँ बन दी जो मैं लग दू कि बहुत सारे लोग ये देश के प्रति तो न प्यार छ न मोहब्बत छ, और वो फिर वही काम से करने लगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला था करना जी। तो इन्हें लोगों तो इन्हें तत्वों तो थोड़ा पछाड़ी थी हम लोग तो से सचेत रहना पड़ लू, और ये आजादी जो हमें मिली इसको बरकरार रखने के खातिर हमें प्रयत्न करना पड़ लू। चलो जी धन्यवाद, आप क्या बोल दो सरकार जी? हाँ बिल्कुल सही बात बोली, और आजादी को मतलब यू कि सब श्रेणी जो संसाधन छन वो समान रूप से मिलन, खास तौर से पहले रोटी कपड़ा और मकान की बात उन थे, पर आज तो हवा पानी और माटा की दिक्कत होगी। रोटी कपड़ा और मकान तो बाद की बात, जो पहले तो हवा पानी को अकाल छ, तो आजादी तबे फली हो सकती तबे सार्थक हो सकती कि जब जो लोगों की बुनियादी आवश्यकता पानी छ और जो माटो पकड़ लगे छो पहाड़ों बैठे हम लोग तो दोनों बैठे छा ना, पर पहाड़ मापा कर देखा तो वक्त माटो ही नहीं बचू माटा का झगड़ा दी तो बोलना छे ना। हां वो तो छ, पर यो एक कविता छ ना कि खणी खणी छणी छणी बगणो छ माटो अब उदा जाना को लगणो छ बाटो, तो जब माटो बगो तो बाद में वे देड़ी उदू चल जांदो। धन्यवाद जी धन्यवाद। आप सर आपकी गुलाम देश हमारा गुलाम दिखो छ? गुलाम देखियो छ और अभी भी गुलाम छ। अच्छा, इनचे के सिर्फ एक कमी छ, एक कमी आ छ कि हमारो राष्ट्रगान जो छ वो अंग्रेजी में आनी, सिर्फ एक कमी है। और जब तक आजादी की बात हो, आजादी को मतलब ही आप देखा डिक्शनरी में आजादी को मतलब कुछ और ही है, और जो आजादी की बात हम करना चाह आज वो आजादी नहीं है। और सबसे पहले तो उत्तराखंड की बात देख लिया, सारा गांव झड़ भेगे लोग पहले पांच झड़ो चौ गांव झड़ो सारा गांव उजड़ना था खत्म, और देहरादून में एक टुकड़ा भी अगर जमीन नहीं मिल बोल दे अब तो यक तो खाद्यान्न को टोटा निपोड़ी में पूरा 52 गांव छे जो मानव रहित होगी ना घोषित होगी। देख रहे 30 बरस बाद जो पौड़ी वौड़ी क्या गढ़वाल और नौ भी निरालो, अब बोला था बद्रीनाथ महल भी वो निरालो नरेंद्र नगर में ये बता दे तुमने।
नगद नारायण नगद नारायण। ओ हम तो बलराज नेगी जी दिखेगी ना, जरा उनसे बात कर ला। बलराज नेगी जी नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार। हम लोग 15 अगस्त की बात करना चाहूँ, देश की आजादी की बात करना चाहूँ। आप संतुष्ट हो आजादी से? हाँ संतुष्ट है पूरी तरह से। अब पूरी तरह संतुष्ट हो पड़ दो, मतलब कॉम्प्रोमाइज करना चाहूँ समझ लिया। मतलब आप आजादी से बिल्कुल खुश नहीं? आजादी आप इच्छा नहीं कुछ और? ना ना हम खुश हैं बस, कोई बात नहीं आजादी तो। मतलब कभी कोई परेशानी नहीं? कैसे शासन प्रशासन देश का नेता गुंडागर्दी कोई नहीं है, सब कुछ शांति से राम राज योजना? देखो देखो देश प्रदेश में ये सब चीज तो चलती रही। अच्छा एक बार ये गुंडागर्दी बलात्कार वगैरह जो चल रहे ना? ना ना मतलब ये चीज ना, ये जो नेता प्रतिनिधि इस प्रकार की बात बोले ना, ये चीज तो चलती रहे ना, मतलब ये तो कभी खत्म होने वाली नहीं, चल सकती है। लेकिन हम अपना आप में खुश हैं भाई, हम आजाद छा। अच्छा आप खुश हैं? आपसे देश से कोई मतलब नहीं? देश नहीं परेशान हो? नहीं देश का परेशान होने, देश भी खुश आजादी मनोनी बोल। अच्छा देश भी खुश आजादी। लो जी आप चंगा बोलो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बलराज नेगी जी बोला चंगा के सब कुछ ठीक ठाक जानो, जो कखी कहते कोई परेशानी नहीं। नगद नारायण नगद नारायण। हमारा हम तक की दिखेगी ना यक हमारा देश का जो पर्यटन मंत्री जिन दिनेश धने जी, दिनेश धने जी आप नमस्कार। नगद नारायण नगद नारायण। उदार नारायण जी उदार। एक छोटू सी सवाल आपसे पूछ रहे की देश की आजादी से खुश हो आप लोग? देखा आजाद नहीं होता तो हम भी आज आजाद नहीं होता जी। और शायद आजादी को मौत तो हम तो इतना पता नहीं बोलू। हाँ। जो हमारी जो पीढ़ी थे जो आजादी जो गुलामी झेली जी, उनको एहसास मैं समझ दू की हम नहीं कर सकता। हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लेनी जी, जो गुलाम भारत में जन्म लेनी वो लोग समझ सकता कै ढंग से हम तय आज ये वातावरण जुदी नहीं जी। वो आज हमते नसीब छे उनका जो नहीं जो कल्पना कर छे जय आजाद भारत की उन कल्पना कर छे। क्या हम उठे बिल्कुल वही भारत दिखाना चाहो या कुछ वे कल्पनाओं से अलग से भारत? वो कल्पना साकार कुछ होने भी लगी और कुछ नहीं होनी जी। लेकिन जो नहीं होनी तो मैं समझ दू की जो हैक पर जो दोषारोपण और जो हैक तो सुधारने की बात हम करता जी, हम हैक सुधारने की बात न करूं जी। हम अपना आप सुधरू भारत खुद सुधर जा लो। चलिए जी बहुत अच्छी बात है। नगद नारायण नगद नारायण अपन बोली, दिनेश धने जन बोले की अब तक खुद से सुधरने की जरूरत है, लोग खुद सुधरने की कोशिश नकारा। नगद नारायण नगद नारायण। हमारे दगड़े नंदा कैसेट का प्रोपराइटर श्री चंद्र एम एस कंतुरा जी छन यूं थे पूछना। आज आजादी को हम लगभग 17वां दिवस मनाना चाहूँ, 70 साल जी। तो क्या आप ये आजादी से खुश हों जी? अब चंद पहले बात से तय हिसाब से थोड़ा बहुत तो खुश था जी, लेकिन बाकी देश ते देखे या नहीं लगो की तथा मतलब तथा खुश नहीं हुआ। बाकी जो और जो देश है ना तो देखे तथा खुश नहीं लगे जता लगे चंद। आज भी कत का लोग बोलते हैं यार अंग्रेजों को राज अच्छू छा है, इनके लिए बोलते एक्चुअली। मैं तो बेसिकली मैं ज्यादा दिल्ली रहना हूँ ना जी, तो मैं जो चाणक्यपुरी चौक और वो जो इलाकों देखी पलटन बाजार, तो मैं पूछता हूँ की भाई ये सुंदर है बोलियो अंग्रेज है टाइम पड़ता हूँ। तो मैं बाकी जगह क्या हुई जन सादरा चो वगैरह चा बोल वही जगह लोग गार्डन था बड़ा बनोना का। अच्छा। तो वैसे लगो कि थोड़े दिन और अंदर तो बढ़िया था। चलो जी चीज केंद्रा जी बोला चंद बल अंग्रेज कुछ दिन बल और रहता एक तो शायद ये देश की हालत और बढ़िया हो जान। नगद नारायण नगद नारायण। सबों का अलग अलग विचार चंद। नगद नारायण नगद नारायण। एक आम जनता ये आजादी के बारे में क्या बोलती? आज मैं ये कह रहा हूँ कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को जी, और इंडिपेंडेंट इंडिया नाम पड़ा था जी हमारे देश का। इंडिया तो सभी कहते हैं इंडिया है, पर इंडिया का मतलब होता है इंडिपेंडेंट इन इंडिया। ठीक है। अब जैसे 15 अगस्त है कल, दुकानें खुली रहती हैं, वर्कर्स को ड्यूटी लगाई जाती है जी, तो ये चीज कह रहा हूँ मैं कि मतलब पूरा स्वतंत्र आजाद होना चाहिए, कोई वर्कर काम पे भी नहीं होना चाहिए। मतलब पूरा देश बंद हो जाना चाहिए? बंद नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए, पर वर्कर जहाँ पे हैं तो एक दिन की मतलब दुकानों को खुली छोड़ के सब लोग अपने घर में बैठ जाना चाहिए। मैं वो नहीं कह रहा, मैं मजदूर लोगों की छुट्टी एक दिन की तो छुट्टी होनी चाहिए। अच्छा हाँ ये अच्छा आप सिर्फ मजदूरों की बात कर रहे हैं? मजदूरों की एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है उससे क्या होगा? जैसे अब उससे ये बलात्कार बंद हो जाएंगे, ये चोरी चारी जो जितनी भी डाकरी जितनी भी काला धन जमा हो वो खत्म हो जाएगा? वैसे जो सरकार जो है कोई दुकान खुली रखता तो उसके चालान काट देती है। अच्छा तो इसका मतलब फिर छुट्टी कर दो, फिर पूरी चालान काटने की जरूरत नहीं। ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं देश की आजादी की बात कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ दुकान की बात कर रहे हैं है ना। अगर आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश के नागरिक बन के सुनिए, दुकानदार
बनकर मत सोचिए। तो ठीक है, हमारे देश तो आजादी है। ठीक है, आपको देश से कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई आजाद है। किसी से कोई नहीं। चलिए धन्यखाल जी, धन्यखाल कुछ लोग छे ना जो सिर्फ देश का बारे में सोचना चाहे, कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहे, लेकिन पूर्ण रूप से दिखे जाए तो अभी 50-50। नगद नारायण हमारे साथ में रंगकर्मी है दीपक रावत जी, इनसे पूछते हैं क्या देश आजाद जैसे कल्पना की थी वैसे हमारा देश आजाद है या नहीं? क्या बोलते हैं एक रंगकर्मी, क्या कहता है इस देश की आजादी के लिए? देखिए, पहले तो आप सबको आजादी के दिन की बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि आपने कहा कि आज़ादी, क्या हम वाकई में आज़ादी को प्राप्त कर चुके हैं? तो मुझे लगता है कि एक अंश मात्र हमने आज़ादी को प्राप्त किया है, अभी बहुत सारे मायनों में हमें आज़ाद होना बाकी है। जैसे कि भ्रष्टाचार से मुक्त होना है, बेरोजगारी से मुक्त होना है, गरीबी से मुक्त होना है। खासकर दूसरा हम देख रहे हैं कि भूमाफिया, जंगल माफिया हमारे पूरे राजतंत्र को, हमारे पूरे राष्ट्र को ख़त्म किए दे रहे हैं। उस तरह भी हमें दिशा ध्यान देना चाहिए। शहरीकरण जो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक हमारे विकास में बहुत अतिशयोक्ति हो चुकी है। बहुत ज्यादा हमारा विकास, हम कह रहे हैं कि शहरीकरण हो गया लेकिन हमारे गांव खत्म होते चले जा रहे हैं। 70 साल पहले अगर चाइना को देखा जाए और 70 साल पहले हमारे इंडिया को देखा जाए, आज वो हमसे कम से कम 100 गुना आगे है, हम लोग बहुत पीछे हैं। बहुत लोग संतुष्ट है, कह रहे हैं कि जी नहीं, जैसे आजादी की कल्पना की थी हमें मिल जाना चाहिए, लेकिन वाकई देखा जाए तो हम लोग बहुत पीछे हैं। इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम आज हम जिस रूप में सिस्टम को कार्य करना चाहिए था उस रूप में सिस्टम आज कार्य नहीं कर पा रहा है। कुछ ही अंश तक कार्य हो रहा है लेकिन अभी भी बहुत हद तक कार्य होना बाकी है। और दूसरी बात है कि हमारा जो हुनर है, हमारे देश का हुनर, जब तक वो इस देश से बाहर जाता रहेगा तब तक इस देश का विकास उस गति से नहीं हो पाएगा जिस गति से होना चाहिए। तो उनको उनका ठहराव कैसा हो, ये हुनर बाहर जाने से कैसे रोका जाए? उनका ठहराव इस तरह से होगा कि सिस्टम को हमें उस तरह की नीतियाँ देनी पड़ेंगी, उस तरह की योजनाएँ नीतिगत ढंग से लेके आनी पड़ेंगी और निज स्वार्थों से ऊपर उठकर देश हित के लिए कार्य करना होगा, तभी इस देश का उत्थान हो पाएगा। और साथ ही साथ नई नई विकासशील जो नीतियाँ हैं उनके लिए हमें इस राष्ट्र में उनको लेके आना चाहिए, ताकि हमारा कलाकार और साथ ही साथ इस देश के औद्योगिक विकास की ओर हम बढ़ पाए। बहुत ही अच्छी, ये दीपक रावत जी थे हमारे साथ, इन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ में शेयर किया। घरवाली आती है आपको? जी हाँ जी, आंधीचे। चलो जी, देश इबेरे आजाद हो तो 70 साल हो गया छे ना, देश से आजाद हुआ 69 साल जो चलो 70 साल होना चाहिए ना, ये आजादी थे कद का, खुश हो आप ये आजादी से? बहुत खुश हैं जी, हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा जी, कहीं कोई परेशानी नहीं? हाँ जी, परेशानी है, थोड़ा करप्शन है, पर वो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सही हो जाएगा? कहाँ करप्शन है? सभी जगह से PWD है, RTO है, थोड़ा बहुत तो सभी जगह है, पर एक धीरे धीरे हो जाएगा सब। बस थोड़ा बहुत है? हाँ जी, थोड़ा बहुत काफ़ी है, पर यह कि धीरे धीरे हो रहा है, ठीक हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं जी, थोड़ा सा लॉस वगैरह आ गए हैं अब जी, लोगों की नॉलेज बढ़ रही है जी जी। तो आपको क्या लगता है कि और कितने साल में ठीक हो जाएगा ये? 4-5 साल में हो जाएगा। 4-5 साल में ठीक हो जाएगा? आप अगर चाइना जापान को लें, चाइना जापान अमेरिका, इन अगर देशों को अगर हम लेते हैं तो 70 साल पहले का उनका इतिहास देखो और हमारा इतिहास देखो, आज वो 70 साल में बहुत आगे हैं उनके हिसाब से, तो हमारा देश क्या, आपको क्या लगता है, संतुष्ट हैं आप? जी, हमारे देश की जो सरकारें थी तो वो गलत थी और हमारे देश के लोग, जो लोग जागरूक नहीं थे, अब सरकार भी ठीक है और लोग भी काफी जागरूक हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश के लोग संतुष्ट हैं इसीलिए हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे? नहीं, संतुष्ट तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो आदमी संतुष्ट होता है वो बोलता है कि यार संतुष्ट हूं मैं, चलो सब साथ ठीक ठाक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आदमी कुछ करने की इच्छा नहीं रखता अगर संतुष्ट हो तो। हाँ जी, हाँ जी, लोग सेल्फिश थोड़े होते हैं तो इसलिए ऐसा होता है, पर अब नहीं है, थोड़ा लोग जागरूक हो रहे हैं। अच्छा जी, चलो आपके हिसाब से 4-5 साल में बिल्कुल ठीक हो जाएगा? जी हाँ जी। चलिए जी, कुछ लोग उम्मीद लगे बैठे हैं, जन 4-5 साल में ये देश बिल्कुल तरह पूरी तरह से आजाद हो जालो, जन हमर क्रांतिकारियों ने सपने देख जाए। नगद नारायण, नगद नारायण। उत्तराखंड की अगर बात कर दो तो उत्तराखंड में को बिल्कुल खत्म कर दिया भगवान ने, हेमंत जी नंदन भगवान ने, वो तो अरे वो तो छह ही नहीं ना, वो तो उनको खत्म करके कहा रहा आपने, उस जो आदि मोर गया करके खत्म कर सको, तो कह पर हंते नहीं नाच हुए की है ना, ननक कह पर हुए की हंते नहीं नाची, वो या कहे कके आऊ नीचा, कहते दिखाणू नीचा, उसने कैसे खत्म कर लिया मेरी समझ में नहीं आ रही। वो अपने आप मर गया,
और वो उत्तराखंड को खत्म करके गया। कैसे करके खत्म किया? उसने उसका जो कारनामे सामने आ रहे हैं, जो डीएवी में कई टीचर ऐसे हैं, यहाँ टीचर ऐसे हैं जो, तो वो तो टीचरों की, वो तो टीचरों की गलती है ना, टीचरों की गलती है। मेरी निगाह में कम से कम 8 टीचर ऐसे हैं कि जो किसी ने दिए थे, पर कोई टीचर बने हुए जिनको कुछ नहीं आता है, तो टीचरों की गलती है ना, वो सरकार की गलती है। नहीं, बहुत बड़ा की गलती कहाँ से आ गई? बहुत बड़ा की देन पहले से है, पहले से उसकी देन थे, ये काम हो रखे हैं। अच्छा, मैं आपको आज बता दूं। अच्छा, और हमको सब पता है, हम तो अभी बोल नहीं रहे हैं, पर जिस दिन अगर हम बोलने लगे, नहीं बोलिए, आज आपके पास बोलने का मौका है। हमको सब सब पता है, ये उत्तराखंड का कभी उद्धार नहीं हो सकता है। अच्छा, हाँ जी, कभी नहीं उद्धार हो सकता, नहीं होगा। क्यों? कब होगा? कब? कभी तो बोलो, आने वाले भविष्य में जब ये मास्टर लोग यहाँ से मतलब रिटायरमेंट होगा, कोई नए मास्टर आएंगे, तब बच्चों का भविष्य बनेगा, वरना बच्चों का भी भविष्य नहीं बनेगा यहाँ। चलिए, नगद नारायण, नगद नारायण, यू को विश्लेषण क्या चांद क्या छ, भगवान जाने बुना छ, हेमंती नंदन बोगना जिन बल, ये बल उत्तराखंड को नाश कर दिया, बल जबकि वो आदिम तो बिचोर मोरे यहाँ बहुत साल हो गए। नगद नारायण, नगद नारायण, अब नारी शक्ति से पूछ दूं कि देश की आजादी से कन महसूस करना चाहूं आप? महसूस की कन महसूस कुछ भी नहीं हुआ, आजादी किसी देश में कोई आजादी नारी तो कोई आजादी नहीं। अच्छा, जब बुरा हाल है ना, अच्छा, बिल्कुल भी आजादी महसूस नहीं करना चाहूं नारी, कोई महसूस नहीं हमते तुम्हारी। अच्छा, कोई महसूस नहीं आजादी, तो यही आजादी को संघर्ष कल कन नारी शक्ति कर लिया, जब नारी अज्ञा लोला नारी ते कुछ कन दिला जी, तब जाते नारी शक्ति अज्ञा होली तब कुछ बोलू देसो। कब? कब जब नारी अज्ञा होले ओण दिला पुरुष लोग अज्ञा ओण दिला नारी दे। नहीं, आज तो नारी को ही सम्मान चाह, नारियों को ही देश का की नहीं, नारियों सम्मान आजकल का की नहीं, कोई नहीं चाह पुरुष, कोई नहीं चाह नारी हमसे अज्ञा हो। नहीं नहीं, इन बात नहीं चाह, अगर आप सरकार में देख लिया हो तो बहुत का नारी कैबिनेट महामंत्री छ, आज आज मंत्री छन, मंत्री तो छन, इसको स्कूल में टीचर छन, आईएएस छन, आईपीएस छन, तो सब लोग अगले छन, तो खैर थोड़ा बहुत हुए छ, पर वो आजादी अभी नहीं, पर बस हकीकत तो यह की नारियों की भटकसल बनो आदमियों को, आदमियों को जी बने भटकसल, आदमियों नहीं भटकसल बने, करना करना कहीं तो, और तो बहुत बुरा हाल छन होया, कहीं बहुत बुरा हाल छन होया। नगद नारायण, नगद नारायण, हमर दगर मा छन गुण सोला जी, हम आपसे पूछ रहे जी, आप की क्या गुलामी दिखी छ? गुलामी की तस्वीर ही देख सके हम, क्योंकि लगभग वो टाइम पर तक तो गुलामी जो जो उखड़ने की नौ बताई थे। अच्छा अच्छा, पर वे का दंश जो है ना, वो आज भी हम लोग जो है बराबर नहीं नहीं झेलना नहीं थे ना, आज हम सब जी गुलामी की बेड़ी हम उतारने का वास्ता बुजुर्गों ने जो इतना बड़ा वो करे ना जी, वे हम पैसा दे के इंजन खरीदने लगे, आप अपना बच्चों से वही छन पड़ो लगे जो जैसे आप भगोना जा जी जी जी, जी। क्या लगन था कि जन हमारी कल्पना है जो क्रांतिकारियों की जो कल्पना है जो ना पर जान देन जो शहीद भेजे ने, क्यों क्रांतिकारियों को कल्पनाओं पर बिल्कुल खरुच हो इधर आज की आजादी? कई 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 चीजों की कमी रही, कई चीजों की कमी आज भी कई आने वाला समय में भी वो इतना दूर करना पड़ लो, लेकिन क्रांतिकारी का वास्ता जो जो क्रांति का बीज जब बोना छ तो वह में वो ये नहीं देख रहे कि हमारा वास्ता ये क्या सुविधा जुटली। हाँ। सुविधा ना जो एक सुपने तो रहें कि आजाद आजाद देश को जो सुपने चाहे वे को एक जुनून हों दो कि मैं अपना ये देश से आजाद करोना का वादा फंदा पर भी चढ़ जान दो है, मैं पर उत्पीड़न तन देश छेचा भी उत्पीड़न हो लो तो वह तो अभी मैं देश के खातिर आजादी के खातिर सहन कर लो, तो तन आजाद छेचा आज नहीं देश तो आजाद हुई लेकिन वे की प्राप्त नहीं, आप तो नहीं कि देश का दगल में बलात्कारी भी आजाद होगी ना, ये गुंडा भी आजाद होगी ना, ये ब्लैक मनी वाला भी आजाद होगी ना, वे का दगल और भी बहुत सारे लोग छिंचो आजाद होगी। एक एक वे मैं बोल लो या भाई शिव जी की बरात दोस्त आप समझ लिया तुम, विद्वान भी छन गुड़ी भी छन बड़ा बड़ा दांत वाला भी छन उल्टा उल्टा खुटा वाला भी छन सब शिव जी की बरात ही छन लगे बाट, अब ये ज्यादा और क्यों हो सब। नगद नारायण, नगद नारायण, वाकई तो समझ लिया भाई बड़ो की देश माँ ये के लिए शिव जी की बरात छ, कहकर कंदूर कटियालू, कहकर हथ कटियालू, कहकर दांत ले रहा कहकर नाक नहीं मिला, यानी कि इज्जत का भी बलात्कारी छ, ब्लैक धन इकट्ठा करने वाला छन, माफिया छन, ये सब चला रहा यून कभी थमे किले की गुणशाला जी बुरा जन वाला ये शिव जी की बरात छ। नगद नारायण, नगद नारायण।
नगद नारायण, नगद नारायण, हम एक आम जनता से पूछते हैं कि 15 अगस्त आज 69वां आजादी का दिवस हम लोग मना रहे हैं, इस आजादी से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट तो हैं। किसी तरह की समाज में कोई भी त्रुटियां नजर नहीं आ रही हैं? जो हमारी कल्पना, जो क्रांतिकारियों ने कल्पनाएं देखी थी या जो कल्पनाएं की थी, वो जो सपने देखे थे, क्या उसी तरह से ये देश आजाद हुआ है? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ उस जिस हिसाब से हमने सपने देखे थे जी, क्योंकि आजकल की राजनीति के बारे में आप जानते ही हो कैसा है जी, थोड़ा बहुत खामियां है। नहीं, सिर्फ राजनीति ही बुरी है या और भी बहुत कुछ बुरा है? नेता लोग बुरे हैं और क्या है, प्रधान बुरे हैं यहाँ के, पार्षद बुरे हैं यहाँ के, विधायक हैं, सड़कों का हाल देख ही रहे हो आप, अगर उजाला होता तो देखते जी, बरसातों में पूरा पानी भर जाता है जी, रोडे देखो कैसी हैं। तो फिर वो अपने आप तो कोई नहीं जानता सर, उनको चुन के भी तो आप लोग भेजते हैं? तो चुन के हम ही लोग भेजते हैं, अब क्या करें, ऑप्शन कुछ है ही नहीं दूसरा। नहीं, ऑप्शन तो बहुत होते हैं आपके पास, ऑप्शन तो होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसे देते होंगे, दारू पिलाते होंगे आप लोग जो है? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो बिकते होंगे, वोटें बिकती है तभी तो अच्छे नेता नहीं आते। नहीं बिकते होंगे, आपका कहना बिल्कुल सही है, बिकते हैं जी, तो लेकिन सारे ऐसे थोड़ी ना है कि जो बिक जाए। अच्छा, है ना। तो आप ऐसे नेताओं को वोट दीजिए जो खरीदते ना हो किसी को और बिकते ना हो। अब ऐसे नेता कहाँ से लाएंगे बताओ ना, अब ऐसे ढूंढ के कहाँ से लाएंगे, कहाँ से ढूंढे? नहीं, आप तो कहते हैं कि कोई अच्छे भी हैं, जो अच्छे हैं उनको तो, अब अच्छे को तो दिया था इस बार यही सोच के कि भैया राजकुमार हमारा विधायक अच्छा निकलेगा जी, लेकिन देख रहे हो आप तो? आगे जाओगे और जगह पता चलेगा आपको कैसे रास्ते हैं। और चलिए जी, इनका तो मानना है कि अगर देश के नेता सुधर जाए तो शायद इस देश में जो आजादी है वो आ जाएगी। नगद नारायण, नगद नारायण, हमर दगड़ मच नहीं, एक बुजुर्ग तो थे पूछ दो, आपा को गुलाम देश दिखो छे? जगर देश हमर गुलाम छायु बेरा अपन देख छो, और आज भी आप देश दिखना छो, क्या फर्क दिखनो छ आपसे दियो में? अब सब ठीक चल रहा है, अंग्रेजों को राज इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, हाँ। तो खुश हो, ये जन कल्पना कर छे कि अपन की हमारे देश हूँ चलो चाहे वो देश छे? हाँ, कभी अभी थोड़ा बहुत कुछ खामी है जो। अच्छा, जो हमारे देश में लोग इतका आजाद हुएगी ना, मुझे मिथन लगन की गुंडा गर्दी जो है ये बलात्कारी आजाद हुएगी ना, ये फिरौती और काला धन करने वाला आजाद हुएगी ना, क्या इन देश की कल्पना कर छे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्य छे। ठीक है, तो ये थे कनक होने, फिर कोई आंदोलन करना पड़ा हमते? फिर आंदोलन की जरूरत नहीं जी, फिर जो छोटी जनरेशन को सिखाइए आप। अच्छा, जो बच्चे नए हैं ना उनको सिखाइए, ऐसा संस्कार दीजिए, कुछ फर्क पड़ेगा। अच्छा, सिखान कैल छ माँ बाप सिखाएंगे? अगर माँ बाप ने सिखावन तो नहीं, माँ बाप तो पहले अध्यापक है। अच्छा, हाँ। नहीं, अगर तुम फर्स्ट अध्यापक, आजकल तो माँ बाप बहुत बिजी हुए हैं ना, बच्चों को ट्यूशन लगाई चलो, माँ बाप को बिजी होने का कोई मतलब नहीं है, हाँ। बच्चे पैदा करने तो उनको संस्कार देने हैं, ये बहुत जरूरी है। नगद नारायण, नगद नारायण, ये बात एक बहुत बड़ी बात है कि अगर संस्कार चलना चाहिए, एक अच्छा देश चलना चाहो, अच्छा प्रदेश चलना चाहो, एक अच्छा संस्कार चलना चाहिए, तो माँ बाप थे गुरु बन पड़ा लो, और माँ बाप थे कि संस्कार देन पड़ा ला अपने बच्चों थे, जो बहुत जरूरी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नगद नारायण, नगद नारायण, आज की युवा पीढ़ी से पूछते हैं कि देश की आजादी उन्हें कैसे लगती है और क्या ये इस आजादी से खुश है? अरे बहुत बढ़िया लगती है, अब तो बहुत खुश है। आपको इस देश में कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत नजर नहीं आती? आती है। तो फिर खुश कैसे हैं आप? अरे पेट्रोल कम करवा दो, दारू सस्ती करवा दो। अच्छा, मतलब दारू सस्ती हो जाए तो ये देश बहुत बढ़िया हो जाएगा, और पेट्रोल भी है? तो पेट्रोल भी, क्यों पेट्रोल से क्या होगा? अरे जब कम होगा तभी तो गाड़ी चलेगी। कौन चलाएगा गाड़ी? चलो, तो आप देश के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं? अपने बारे में, देश के बारे में नहीं सोचते? पहला अपना सोचूंगा, देश का सोचूंगा। नगद नारायण, नगद नारायण, तो दोस्तों यही है कि आज का युवा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अगर वो देश के बारे में सोचते तो ये देश आगे बढ़ेगा। जब यहाँ का युवा ये कहता है कि भाई दारू सस्ती होनी चाहिए, और जब जिस देश में युवा ये कहे कि भाई दारू सस्ती होनी चाहिए ताकि मैं पी के टल्ली रहूं, और जिस देश के युवा पीढ़ी दारू पी के टल्ली रहेंगे, उस देश का कैसे भला हो सकता है, उस देश की आजादी कैसे हो सकती है? धन्यवाद। नगद नारायण, नगद नारायण, नगद नारायण, नगद नारायण, देखते हैं कि जब एक आम आदमी को पूछा जाता है देश की आजादी के लिए तो वो क्या जवाब देता है। देश को आजाद होने वाले हैं 70 साल,
70 साल आजाद होने वाले हैं जो क्रांतिकारियों ने, आजादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिली है, बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों का सिला आज हमें जो आजाद देश मिला है, तो क्या ये सही है या उन जैसे उन्होंने सपने देखे थे क्या वैसे ही हमें देश मिला है? मान्यवर ऐसा है, जो हमारे जिन्होंने अपने इसके लिए बलिदान दिया है और उनके परिवार जो हैं उस चीज़ से वंचित हैं, उनको आज तक उसकी सुविधाएं नहीं मिली हैं जी। हमारा कहने वाला जिन्होंने जिस देश के लिए अपना पूरा बलिदान दे दिया, पूरा जीवन निछावर कर दिया, उनको आज ये चाहिए कि उनको जो है उनके परिवार वालों को पूरी सहायता दी जाए और पूरा उनको परिवारों को जैसे एक खिलाड़ी को सम्मान दिया जाता है ऐसे उनको सम्मान दिया जाए और उनका घर परिवार चलाने के लिए उनकी पूरी सुविधाएं दी जाए। चलो, आपका कहने का मतलब है कि 15 अगस्त का जो ये दिन है जो हमारे शहीद है उनके परिवारों को सहायता देकर उनको सम्मान देकर मनाया जाए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत अगर ये होगा तो हमारा देश उज्ज्वल होगा और जो हमारे जो नेता हैं जो हमारे देश को भविष्य के और देख रहे हैं उनका नाम रोशन होगा और आगे जो है उनकी जो बच्चे हैं जो आने वाली पीढ़ी हैं उनको दुआएं देंगी और उनके आने वाले 7 पीढ़ियों को नमस्कार करेंगे। जगत नारायण महाराज। आज देश 15 अगस्त की आजादी का दिवस मना रहा है, क्या संतुष्ट हैं आप इस आजादी से? बिल्कुल संतुष्ट हैं, आजादी अपने आप ही में एक बहुमूल्य दिन है, भगवान की आजादी से बड़ी दिन और कोई हो ही नहीं सकती है और हमारे लोग इसको बड़े कुर्बानी से लाए हैं, तो इसलिए जो सपना उन्होंने देखा था जो सपना ये है कि उसको हम ठीक से पूरी तरीके से संभाल के रख पा रहे हैं नहीं रख पा रहे, इसमें भी दो मत हैं। दुनिया ये समझती है कि भारत ने अपने आज़ादी के मूल्यों की न केवल रक्षा की है बल्कि दुनिया के लिए भी उनकी आज़ादी एक प्रेरणा है। आज हमारा तिरंगा झंडा केवल हम ही के हमारा ही नहीं और दुनिया के करोड़ों करोड़ इंसानों के लिए शान है, मगर जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमको कुछ कमियां भी नज़र आती हैं, मगर कमियां हों तभी तो आदमी में दूर करने का हौसला बनता है। हमारे जो खेतों से जो हल थे, हलों से बैल भी आज़ाद हो गए, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? तकनीक कुछ न कुछ बदलाव लाती है और इसीलिए साइंस और तकनीक सब जगह परिवर्तन लाई है, सिर्फ आवश्यकता इतनी है कि हम तकनीक का उपयोग अपने मूल के साथ जुड़ने के लिए करें, मूल को संवर्धित करने के लिए करें तो कोई हर्ज नहीं है। हमेशा बैल से ही हमारे खेत जोते जाएंगे ये कहाँ लिखा है? मैं भी एक छोटा ट्रैक्टर लेकर के 80% अनुदान के साथ अपने गाँव को दे रहा हूँ। नगद नारायण ढांगो बैल जो है हमेशा खड़ता रहे, ये कोई भगवान ने नहीं लिखा है, ये तो मानव ने लिखा है, हमारी असमर्थता ने लिखा है। हम उस असमर्थता को यदि तकनीक के साथ समर्थता में बदल सकते हैं तो अच्छी बात है। नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण। आप शायद म्यूजिशियन जी? जी मैं बांसुरी बजाऊं। बांसुरी बजा दो। चलो कितना साल भट्टे बजाना छो बांसुरी? जब मैं 11 साल का था तब बटे स्टार्ट कर रहा था, तब बटे आप बांसुरी बजाना छो? ये कलावा बांसुरी बजा दो। अच्छा, ये कला अभी बांसुरी बजाऊंगा, ये से पहले भी बांसुरी बजाऊंगा? नहीं, बांसुरी लेकर की मोबाइल की तरह इस्तेमाल तो नहीं करता, आपके बाथरूम में भी जो मोबाइल लेके जंदी नाज लो, पता नहीं आप वास्तव में नारा चो, पता नहीं कन के पता लग गया आपते ना दर पहले मिल सी भी बाथरूम में चो। चलो बढ़िया, आज देश जो चो 15 अगस्त जो चो मनानो चो सब बहुत खुश है ना, आप तो कल लगन चो क्या ये आजादी ठीक चम खड़े भाई? जब बड़े ब्याह आजादी तो पता नहीं चलनी चा, वैसे पहले आजादी तो लगी नहीं पर जब बड़े ब्याह तब जब बंदिश ही चलनी, अभी टाइम भी होगा घर जाने को तो वह बड़े फोन भी आना चाहिए, आजादी तो मुझे बिछी नहीं चा। चलो जी नगद नारायण नगर, तुम जो चो रुआन वाल छू करना चो तुम नगर ज्यादा सवाल नहीं करना है। नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण नगद नारायण। हमारे नगर में राजेंद्र चौहान जी छ उत्तराखंड का एक लोक संगीतकार, आपसे पूछते हो कि आजादी कन मनाना चो आप? आजादी तो बहुत बढ़िया मनानी छे, किले की पत्नी भी दगड़ में छे। अच्छा, तो आजादी तो अलग ही आनंद चाह जानू, और एक सबसे बड़ी बात यह होची कि भाई आजादी की पूर्व संध्या पर इतना सुंदर एक गड़बड़ी प्रोग्राम जो झुमेलो जी, झुमेलो में जो आज कई कलाकारों की दगड़ी एक मुलाकात और मुख्यमंत्री जी की जो एक पहल छे वो एक दगड़ में बहुत बढ़िया लगा। नहीं, आज अगर हम देश की बात करें तो देश अगर जो हमारा आजाद हुई क्या ये आजादी से खुश हुई देश पूर्व देश आजाद? देखो जी, संतुष्टि सबसे बड़ी चीज छ, अगर जिंदगी में संतुष्टि छ किले की सबसे पहली अपना आप थे संतुष्टि, आजादी की बात बहुत दूर छ, सबसे पहले हम अपनी आत्मा से संतुष्ट छो और स्वतंत्र छो,
हमते नहीं आज को आदमी अगर संतुष्ट हो जालू तो फिर एक बार खत्म हो गया ना फिर अगले बड़े पूरी इच्छा खत्म हो गया भी संतुष्ट हो अगने कुछ नहीं मैं नहीं नहीं अगने भी वहालू लेकिन सबसे बड़ी चीज ये की भाई आज जो आप एक क्वेश्चन कार की भाई स्वतंत्रता ते आप कखमा आंकलन करना छो कि भाई हमारे देश कद अगने बढ़ गया स्वतंत्रता में तो आज हमारे राज्य प्रगति पर ची क्योंकि हमारे राज्य में लोग राष्ट्र की बात करो छो अगर आप देखा जाए कि भाई इंडोनेशिया जापान चीना चाइना 70 साल पहले देखो और आज आज का तारीख देखो लेकिन आज एक सामाजिक छो आज अब एक बुद्धिजीवी छो लेकिन मैं आपसे एक इंटरनेशनल और एक अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ सकूं लेकिन आज हमारे देश भारत भी बहुत अग्नि स्वर्णिम अक्षरों में अमर भारत नहीं पर चले पैथर से पैथर तो हम अपनी कोशिश होगी वैसे छो बाकी अगर ओवरऑल देखे जाए तो भारत भी बहुत तरक्की में आज का समय में हाँ तरक्की जो खूब सारा बलात्कार होना चाहना रेप होना चाहना जो जो इतका जो जो ब्लैक धन जो कालो धन भीतर पर जाए वो इनसे नारद मुनि जी की ये सब चीज पूरा वर्ल्ड में होने उजागर एक ज्यादा हो जाना चिन इंडिया में बैर भी यू चीजों की कमी नहीं चे आप इंटरनेशनल की जो भी दुष्कर्म हुआ है कुकर मां सब ढेर जान चाहना चिन यार बोलना खतरा भी हो चुके ऊपर जो तो माटो डाल देने चलो जो वो कुछ इधर नहीं उड़ चलो जो नारद मुनि जी इनसे तुम नगर नारायण के चक्कर में पड़ो और माटो डालना से बढ़िया ही हो चुकी की भाई मेन चीज सबसे बड़ी चीज क्या कि धन की बात और मन की बात तो हुए थे लाणा को तो भैया लोगों बोल की मोदी लाएंगे मोदी थे केजरीवाल के प्रति लोगों ने बहुत सपने देखे अब उनका सपना नारद मुनि के प्रति है कि नारद मुनि क्या करते हैं हमारे राज्य के चलो राजेंद्र चौहान जी बना चेना जब कभी हमारा जो छेना बल्ला उठा ढके जाओ ऊँचा ऊँचा ऊन चढ़ तो शायद हम तक हम तक नहीं दिखा बल्ला हमारे दगर माछन खड़ी हुई कल्पना चौहान जी उत्तराखंड की लोक गायिका हम यू थे पूछ दो की ये आजादी कन मनाना चेन आज 70 साल होने वाला हो 70 साल होने वाला चेना देश थे आजाद हुआ कन चिताना चाहो तुम बहुत बढ़िया बहुत शांति से मन में कि आजादी के दिन से बोल और हम लोग बहुत हर्षोल्लास से दिन थे मनांदा आजादी जन चैन से वो नहीं मिला देखो आजादी सब थे अपने तरीके से मिला आप थे अपने तरीके से मिले हम थे अपने तरीके से मिल लिया बहुत अच्छे लोग देखी ये भी आजादी कुछ और खास चाहू चाहिए आजादी खुलने के लिए कि अगर तुम चाइना जापान और इंडोनेशिया बाकी का देशों से देखो तो 70 साल में वो हमसे बहुत असर बढ़ी हम लोग पैसे पैसे जाना चाहो नहीं नहीं इन मिनी समझू छो कि हम लोग पैथर जाना चाहिए तुम लोग ना लोग गरीब लोग जाना चाहिए देखो गरीब नहीं बोलू चाहिए गरीब लोग सब तुम लोग पैथर जाओ गरीब लोग जाना जे हिसाब से हमारे उत्तराखंड का नाम हूँ तो मैं इनसे जानू छू की हम बहुत ऊपर मथी जाना छो मुड़ी नहीं जाना छो मथी जाना छो और आज मैं थे सबसे ज्यादा खुशी हूँ की लोग कलाकार थे लोग जो सम्मान मिलू हम थे कलाकार थे वो सब जनता के माध्यम से मिलू तो एक वास्ता मैं सब थे बधाई दीणू छू अपने उत्तराखंड वालों थे की और खासकर नेटवर्क 10 थे दीणू छू की लेकिन अपनी बॉडी नगर नारायण नगर नारायण हमारे दगर माँ गढ़ रतन नरेंद्र सिंह नेगी जी मौजूद छन आजादी का बारे में नेगी जी आज 70 साल छन आजादी थे कन आप आजादी देख दो नहीं आजादी भरी उत्तराखंड में यूं दिनों हम कुछ ज्यादा ही आजादी महसूस करना चाह हमारा लोक संगीत हमारो लोक गीत हमारा लोक पर्व है ना और हमारा लोक खान पान सब जो धीरे धीरे करे के राज्य स्तर पर आना छन और राज्य स्तर पर मनाना छन तो इबारी उत्तराखंड का लोग मैं सोच दू कि ज्यादा आजाद महसूस करना होला किलो भरे जो गोर छा वो भी आजाद होगी ना हेलो भर जो बल्द छा वो भी आजाद होगी ना और जो बुआरी छा जो सासु बुआरी की वो भी बुआरी आजाद होगी ना और नेटवर्क 10 का कर्मचारी भी आजाद होगी ना जो चाणा छन भी पैर देना छन है ना तो आजादी तो खैर 70 साल की आजादी है और धीरे धीरे दो पीढ़ियां इस आजादी को मनाते मनाते भोगते भोगते हो गए हैं आज भी समस्याएं बहुत हैं लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आशा की किरण हैं उम्मीद की किरण नजर आती है कि हमारा प्रदेश हमारा देश आगे बढ़ रहा है और प्रगति की ओर जा रहा है कमियां भी हैं परेशानी की उम्मीद से जो हमारे जो नाती हमारा जो नाती नतना वाला वो खुश रहा ला बहुत खुश के लेना ला खुश करने की जिम्मेवारी हमारी चे ये पीढ़ी की चे हम लिखो ला पढ़ो ला सही ढंग से सही रास्तों में लीजो ला
उन्हें अच्छा संस्कार देवला, अच्छी संस्कृति अपनी संस्कृति का साथ ऐतर बढ़ाला तो खुशकिले डाला और भी आजाद होला और बेहतर ढंग से ये राज्य भी चलो। नगर नारायण आपसे चिंता करने की कोशिश नहीं था, आपका नाती नजर बहुत सुखी रहा ये नेगी जी बना चंद।